की मोदी सरकार ने सीना ठोककर दुश्मनों की बर्बादी का सामान खरीदने का ऐलान कर दिया है। अब 114 हवाई किलर दुश्मनों के पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाला है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के 114 काल दुश्मनों की बर्बादी का सीक्रेट कोड 114। प्लान बन चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, दुश्मनों की हवा और टाइट होगी। भारत की संसद में मोदी सरकार ने सीना ठोक कर दुश्मनों की बर्बादी का सामान खरीदने का ऐलान कर दिया है। अब 114 हवाई किलर दुश्मनों के पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, भारतीय वायुसेना में पुराने पड़ रहे विमानों की जगह नए विमानों के खरीद की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इस डील के तहत वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। 15 बिलियन डॉलर में आएंगे 114 लड़ाकू सेट। अमेरिका की बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, स्वीडन के साब, फ्रांस की दसॉल्ट कंपनियां बाहें फैलाकर खड़ी हैं। विमानों के निर्माण के लिए जरूरी पार्ट्स में से कम 85% हिस्सों का उत्पादन भारत में होगा। MiG-21 विमानों का बेड़ा पुराना पड़ चुका है। बार बार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इसे फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। हालांकि इनमें से कुछ जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अपग्रेड भी किया गया है, जिसे MiG-21 बाइसन नाम दिया गया है। फिर भी ये विमान काम चलाने लायक ही है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी को हुए डॉग फाइट में ऐसे ही MiG-21 बाइसन विमान में सवार विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। हालांकि बाद में उनका भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने संसद में बताया कि इस सौदे के लिए प्रारंभिक बोलियों का मूल्यांकन और वायुसेना की आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है। मंत्रालय ने भी इस प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। भारतीय वायुसेना और नौसेना को लड़ाकू विमानों की जरूरत। ४०० सिंगल और डबल इंजन वाले लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इस सौदे को पाने के लिए बोइंग ने अपने FA-18 फाइटर जेट को भारत के सामने पेश किया है, जिसके लिए उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड को साझीदार चुना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।